All right, guys, welcome to the 10th episode of Men Will Be Men. And this horrifying case from Guwahati. Yes, this woman, Bandana Kalita, she killed her husband and her mother-in-law. Yehi aur bhi disturbing news hai. But yeah, we will talk about it and we will try to keep it on a lighter note. So, celebrities hai, memes hai, bahut sari baat hai. और हाँ, this entire series is dedicated for men. तो क्या सोच रहे हो? भागे लाइकर सेट ठोक लीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। Okay guys, let's talk about celebrity first. Yes, this video is going viral and it was the statue of Virat Kohli. मर गया भैया। This is how a die-hard Virat Kohli fan will click a picture. मैं सारी चीजें दिखाता हूँ ताकि आप टेबल को 180 डिग्री पे घुमा लो। अभी ये हुआ, वीडियो वायरल हुआ, कुछ लोगों ने फेमस भी कर दिया इनको, पर ये क्या सही तरीका है? मेरे साथ अन्याय हुआ है। I mean, what अनुष्का शर्मा will think? कुत्ती, कमीनी, उल्टा। No, but this is so wrong. I mean, again one more time. एक बार ये सोचो कि अगर लड़की की जगह लड़का और लड़के की जगह लड़की होती तो कितना आउटरेज होता। What the statue of Virat Kohli is thinking that time? क्या यही गुनाह है मेरा? Now this selfie, guys. Again, I'm telling you, turn the table 180 degree. मिस्टर आदित्य रॉय कपूर, प्रमोशन चल रही है वेब सीरीज की, तो फिर एक क्लिक हुई, बहुत बढ़िया था, यहाँ तक सब बढ़िया था, एंड आफ्टर Just think about it. What was going on in his mind? मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मुझे बर्बाद करके रहेंगे. But kudos to him, he handled it so well with such a grace. And one more celebrity cricketer, Mr. Prithvi Shaw, this infamous incident. सपना रुक भैया नहीं. This entire thing happened and so many people are saying that in the first time ever, joke woke चल रहे थे, meme चल रहे थे internet पे कि पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी लड़के ने लड़की को जेल में पहुंचवाया है, ये हुआ है। अरे लूट लिया जा भाई आपने, लूट लिया। She came out. That's how they came out. Victory, victory, victory. सपना जी आप कुछ? बस सच की जीत होती है। अच्छा, नाउ शी इज ऑल सेट टू फाइल अ केस अगेंस्ट हिम। हर लॉयर इज सेइंग सच की जीत हो गई, बुराई की हार हो गई और अभी तो लीगल एक्शन बहुत बाकी है। और ही टच्ड हर अनअप्रोप्रिएटली व्हेन शी आस्क्ड हिम नॉट टू बीट हर फ्रेंड्स एंड दिस इज द लिस्ट ऑफ हर कंप्लेंट्स। न्याय करो, तुम न्याय करो, कोई बचा हुआ नहीं है। इधर देखो, क्या यही गुनाह है मेरा? On a lighter note, ये भेदभाव क्यों? मतलब ये लड़के की बारी में और ये लड़की की बारी में क्यों? First of all, people should give their good wishes. और शादियों में बड़े बड़े गिफ्ट की जगह इंसान बस एक दूसरे की चुगली ना करे, बहुत होता है। But not only in marriages, in every function, it's a tradition that we give more respect to women. Yeah. It's not a bad thing at all. चाहे वो प्राइवेट फंक्शन हो या पब्लिक फंक्शन हो, हर जगह, आई मीन जस्ट लुक एट आवर होम मिनिस्टर जी। सो या फर्स्ट ही डिड नॉट एक्सेप्ट दैट, सेकेंड नो ही डिड नॉट एक्सेप्ट दैट, अब तीसरा देखो। क्या है कि दो लोगों ने ट्राई किया पर तीसरी बारी में जब मैच पिघल गया। समझ रहे अच्छी करो भाई। नहीं, रिस्पेक्ट वुमेन। इट्स ऑल ऑन अ लाइटर नोट, बट नाउ लेट्स टॉक अबाउट समथिंग रियली सीरियस। पहली बात तो मर्डर मर्डर होता है, इसमें ऐसे कंपैरिजन नहीं करना चाहिए कि इसने किया तो क्यों नहीं दिखाया, इसने किया तो क्यों नहीं दिखाया। बट बंदना कलीटा केस वाज एक्चुअली हॉरिफाइंग केस। अ वुमन एलिजिबली मर्डर्ड हर हस्बैंड एंड मदर इन लॉ एंड स्टोर्ड द बॉडी पार्ट्स इन अ रेफ्रिजरेटर इन गुवाहाटीज नूनमती एरिया। एज आई ऑलवेज टोल्ड यू गाइस, क्राइम हैज नो जेंडर। इतना दिल दहला देने वाला काम किया है, वो गिल्टी है, उसने एक्सेप्ट किया है कि उसने ये काम किया है,
उसके बाद भी उसकी पिक्चर को ब्लर करके दिखाया जाता है। द हस्बैंड्स बॉडी वाज थ्रोन इन डॉकी एंड मदर इन लॉज बॉडी वाज डिस्पोज्ड ऑफ इन चेरापूंजी। पहली बात तो ये सोसाइटी में हो क्या रहा है, एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, उस पर डिस्कशन बाद में करेंगे। बट क्राइम हैज नो जेंडर, जेंडर बायस नहीं होना चाहिए मीडिया को कि मेल ने किया है तो पूरे टाइम 24/7 बात होगी और फीमेल ने किया है तो बस कोई कवर ही नहीं कर रहा है उस बात को। यू कांट फाइंड हार्डली इन मेनस्ट्रीम मीडिया, खैर वहां तो पता नहीं क्या ही चलता रहता है। सच्ची अगेन वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग एंड इट्स अ डिस्टर्बिंग फैक्ट, यस अगेन फॉल्स रेप केसेस गाइस। इसमें ऐसे नहीं कि सिर्फ जवान जा रहे हैं, बच्चे बूढ़े और जवान सब, नहीं सच्ची, एंड इट्स अ रियली डिस्टर्बिंग साइन। आई मीन लुक एट दीस पीपल। आपके ऊपर कितना केस किया डीलर के परिवार वालों ने? कैन यू बिलीव दैट? जरा सोचिए, इनके ऊपर 7 बार रेप केस किया गया है। वन मोर, हमारा नाम वाकेश लाल मेहता। अच्छा, आपके ऊपर कौन सा केस हुआ था? हमारे ऊपर भी रेप केस हुआ था। आपने भी रेप किया था? जी नहीं, हमारे रेप केस नहीं किया था, केस हुआ था। एंड नाउ मीट हिम, जस्ट लुक एट हिम, बंदा कस्टडी में दिन गुजार गया है। न्याय करो, तुम न्याय करो। चेक आउट दिस न्यूज, क्योंकि उसे एनिवर्सरी विश नहीं की इसलिए पिटाई करवा दी। क्या बात, ये बात है। एंड नाउ दिस इज एक्चुअली बिजार, लड़की ने अपने भाई को मार डाला। क्यों? क्यों? बिकॉज ब्रदर स्पॉटेड हर विद हर बॉयफ्रेंड। देश संकट में है। So yeah guys, this is all going on and this Bandana Kalita case is actually horrifying man. देखिए मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इन चीजों पर ही बात होनी चाहिए, पर इन चीजों पे कोई बात करता नहीं है, इसलिए हम करने आ जाते हैं, है ना? सच्ची। So that's why we are coming and it's like playing cards. It doesn't matter if you have 3 aces. She will always win. Why? समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? So that was the 10th episode of Men Will Be Men. आपको कैसा लग रहा है? हम 10 एपिसोड कर चुके हैं। राइट इट डाउन ऑन द कमेंट सेक्शन इफ यू हैव एनी सजेशन। एंड या, इट्स अ सीरीज डेडिकेटेड फॉर मेन। तो क्या सोच रहे हो? ठोक लीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। सो या गाइस, तो करना।